हेलो व्यूअर्स, तो इस वीडियो में हम लोग गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित एक कविता छाया मत छूना मन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो कविता है ये बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो ये भी नई कविता की जो विशेषताएं हैं, नईपन की जो प्रयोग है, इस कविता में हमें दिखाई देंगे। तो अगर आपको ये कविता या वीडियो अच्छा लगे, या आपको लगे कि ये वीडियो तो फायदेमंद है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो। और आपके जो दोस्त हैं जिन आपको लगे कि इस कविता उनको भी जरूरत है, तो उनको भी काइंडली वीडियो शेयर करिएगा, ताकि मुझे आगे और भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। और आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कैसा रहा वीडियो और कैसे करना है, क्या चाहिए आपको बोलिएगा, तो मैं करने की प्रयास करता रहूंगा। चलिए आगे। ये छाया मत छूना मन, ये जो कविता है, ये कविता एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कुछ सीखने को मिलता है, तो आइए देखते हैं कविता को। छाया मत छूना मन, ये छाया जो है ये स्मृति है, जो आप इसमें छोड़ के आए हुए हो, जो पहले से आपकी जिंदगी से बीत गए हैं, हाँ वो स्मृति जो है अपने मन को, कोई इसमें अपने मन को समझा रहा है कि स्मृति को आप याद ना करो। तो देखिए आइए। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन, जीवन में है सुरंग सुदिया सुहावनी, शुभ की चित्र गम फैली मन भवा। कभी अपने मन से बात कर रहे हैं, ये एक नई पन है। कभी छाया मत छूना मन, अपना जो मन है, कभी अपने मन को यह समझ रहा है कि हे मन, तू अपने अतीत, अपने जो गुजरे हुए अच्छे पांच है, उसको आप दोबारा याद ना करो। क्योंकि अगर आप उस छाया को, उस स्मृति को याद करेगा, उस स्मृति में आप जीते रहोगे, तो फिर जब आपका वो ध्यान भंग हो जाएगा, तो जब आपको फिर ये बात से भी पता की एहसास हो जाएगा, तो आपको फिर दोबारा दुख होगा। ठीक है, जब तक आप अपने अतीत में जियोगे तब तक अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन दोबारा जितने बार आप अतीत में जीने लगोगे, जितने बार आपको ये वर्तमान की अवस्थिति का फिर भी पता चल जाएगा, तब आपको फिर भी बुरा लगेगा, मतलब आपको दुख होने लगेगा दोबारा। जितने बार आप याद करोगे अतीत को, जितने बार आप अतीत में जियोगे, जो मिठास भरी जो पल था, उसको आप जितने बार याद करोगे, फिर वो याद आपको भंग हो जाएगा, आपको वर्तमान के एहसास हो जाएगा, तो आपको फिर से दुख होगा। इसलिए को भी बोल रहे हैं नहीं, आप फिर से दोबारा दुख में पड़ने के लिए, दुख का अनुभव करने के लिए उस अतीत को याद ही ना करो, उस छाया में मत पड़ो, अतीत को मत छो। छाया मत छूना मन, होगा दुख छूना मन। इसलिए कभी क्या कहता है कि अतीत में मत जियो, अतीत को मत याद करो, क्योंकि अगर वो करोगे तो आपको दोबारा दुख सहना पड़ेगा। जीवन में है सुरंग सुदिया सुहावनी, सोवियों की चित्र गंध फैली मन भावानी। जिस प्रकार से नदी होता है, झरना होता है, वाटरफॉल होता है, उसमें पानी हमेशा बहता रहता है, उसी प्रकार से अपने मन के अंदर से ही अपने स्मृतियों को, जो गुजर के हम आ चुके हैं आज तक, उस स्मृतियों को व्यक्त करने के लिए, उसी प्रकार से हमारे अंदर ही एक इस प्रकार की सुरंग है कि यह रहते हुए है, हुए ही हम बचपन को या उस मीठे पल को हम याद कर सकते हैं। आप सोच लीजिए, बहुत सारे ऐसा स्मृति है जो आपको बहुत अच्छा लगता है याद करते हुए, कि आपके कुछ समय ऐसा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर से आपका कुछ समय बीते हुए हैं, लेकिन आप वो स्थिति आपके जीवन में नहीं है। आप उस स्थिति को, उस स्मृति को याद करते हुए आपको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब ही आपको वर्तमान की स्थिति का एहसास हो जाता है कि आप ऐसा नहीं है, तो आपको फिर दोबारा क्या होगा, दुख होगा। इसलिए कोई बोल रहा है कि अतीत को मत याद करो,
हर हमारे मान के अंदर से हमारे मान है आप यहाँ रहते हुए कब कहाँ क्या क्या है आप वो सब कुछ आप अभी के अभी आप सेकंड में याद कर सकते हो, उसमें जा सकते हो, उसे फिर अपने आंखों के अंतर की जो आंखें हैं उस आंखों से आप देख सकते हो। हाँ मतलब मन भावना आप जो चाहते हो उसे आप कर सकते हो। हाँ उसे आप संग सुन सकते हो। हाँ वो चित्र मतलब जहाँ पे जो भी किया किसी अच्छे कुछ किसी के साथ कुछ अच्छे पल बिताया कुछ अच्छे स्मृति जो है आप अभी भी यही बैठ कर अब मेरे बात सुनते सुनते आप क्या कर सकते हो उसको याद कर सकते हो, उसे अपने आंखों के सामने देख सकते हो। ये जो भावना है ये एक एक सुरंग है, एक जिस प्रकार से नदी में नाले में पानी हमें से बहता रहता है उसी प्रकार से हम जहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं वहाँ से यहाँ तक एक सुरंग है, हम कहीं पे भी कभी भी उसको याद कर सकते हैं। ठीक है अपने आंखों की अंतर की जो अंतरात्मा जो है अंतर की जो आंखें हैं हाँ उसे फिर दुबा हम उसे देख सकते हैं। हाँ ठीक है तो ये बात इसमें है तंस गंग शेष रही बीत गई यामिनी कुंतल के फूलों की याद बनी चादनी। हाँ किसी किसी के साथ आप अच्छे समय पल बिताए हुए हो हाँ वो बात आपको बहुत ही अच्छा लगी है लेकिन क्या है वो उसे सोचते सोचते वो दिन उससे अतिवाहित क्या है आप वो उसे पार कर चुके हैं। हाँ तंस गंग शेष रही बीत गई यामिनी कुंतल के फूलों की याद बनी चादनी। अब क्या है ओ सुगम आप सब कुछ बीत गए हैं आप कुछ नहीं बचा बस क्या बचे हुए हैं उसका याद बचे हुए हैं। मतलब बीत गई यामिनी मतलब रात्रि गुजर चुके हैं मतलब आपकी जो स्मृति है आपकी जो पहले जो आपका वर्तमान था कुछ अच्छे कुछ पल किसी के साथ आप बिताए हैं कुछ अच्छी स्मृति आपके मन में है आप सब कुछ और कुछ भी नहीं रहा बस आपके मन में उसका स्मृति ही रहा है। हा? तो आप उसे आप याद करोगे तो शेष बस आपके पास वो स्मृति है आप उसके और कुछ भी नहीं है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी जिस प्रकार के किसी चांदनी रात में किसी अच्छे खासे पल किसी के साथ बिताए हो बस उसके साक्षात क्या रहे हैं वो चांदनी रात ही रहे हैं वो रात आप दोबारा कभी नहीं पाओगे वो सुंदर स्थिति वो सुंदर सान्निध्य आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उससे आपको क्या मिल सकता है बस आपको उसका कुछ पल के लिए जब आप उस स्मृति में जियोगे तब आपको अच्छा लग सकते हैं लेकिन जब आपको फिर वर्तमान स्थिति का अच्छा एहसास होगा तब आपको वो मुंह भंग होगा फिर आपको दुख होने लगेगा कि इस पहले इतना अच्छा था वो था ये था आप मेरा हाल क्या हो गए हैं ये सोच के फिर आपको बुरा लगने लगेगा। ठीक है ये बात इसमें है। भोली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना मन होगा दुख दूना मन। हाँ भोली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण कि ये जो क्षण है ये जीवित है इसका हम उपलब्धि कर सकते हैं। हाँ किसी के साथ हमारा प्रेम भावना हुआ था तो उसको हम फिर उपलब्धि कर सकते हो वो जो दिन है ना वो जो स्थिति है वो जो सान्निध्य है उसको हम उपलब्धि कर सकते हैं उसके अनुपस्थिति में भी कहीं पे भी किसी भी हालत में भी हम उसको फिर दोबारा उसका उपलब्धि कर सकते हैं। मतलब वो जीवित क्षण जैसा रहा है उसको हम हमारे आंखों के सामने उसका चित्र हम खींच सकते हैं अभी भी वो देख सकते हैं जबकि वो बीत चुके हैं। ठीक है तो इसलिए कहता है भोली सी एक क्षण बनता हर जीवित क्षण इस प्रकार की जो यादगार स्थान रहता है कुछ पल रहता है जो उसे हम हमेशा याद रख सकते हैं लेकिन क्या है वो हमें याद नहीं करना चाहिए इसलिए कि अगर हम उसे दोबारा याद करेंगे तो फिर से हमें वही दुख मिलेगा उसका जो बिछोड़ने की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा को हम फिर से सामना करना पड़ेगा। ठीक है ये बात है यश है ना वैभव है मान है ना सरमाया जितना ही दो तत्व उतना ही धर्माया। यश है ना वैभव है मान है ना सरमाया जितना ही दौरा तू उतना ही धर्माया। क्या है वो जो बीत चुके हैं उससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। जितने आप बीत चुके हो जितना आप खर्च कर चुके हो जिससे आप बिछड़ गए हो उससे आप ना मान मिलेगा ना वैभव मिलेगा ना यश मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जितना आप जितना ही दौरा तो उतना ही भरमाया। जितना ही तुम उसको याद करोगे जितना ही तुम उसको याद करते रहोगे उतना ही आपको उसका प्रहार जो है उसकी जो दुखान की भावना जो है फिर से आपको
सहना पड़ेगा। जिस प्रकार से कुछ लोग समझ लीजिए, इसके लिए एक रेफरेंस में दे रहा हूँ, कुछ लोग हमेशा यह करना चाहता है, वो करना चाहता है, हमेशा कुछ करने के पीछे भागता रहता है और अपने जिंदगी को उपभोग करने से वो पीछे हट जाता है, अपने जिंदगी को वो उपभोग करने के लिए समय ही नहीं पाता। उसे वो टारगेट है कि मुझे वो घर बनाना है, मुझे उतना गाड़ी बनाना है, उतना संपत्ति अर्जन करना है, वो करना है। लेकिन वो जब कर लेता है, फिर से उसके मन में और भी कुछ टारगेट आ जाता है कि मुझे वो भी करना है। इस प्रकार से वो बस करता रहता है और वो अपने जिंदगी को उपभोग करने से वो पीछे हट जाते हैं, अपने जिंदगी को ही वो उपभोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो हम जो बीच जिससे हम बिछड़ गए हैं, जो हमारी जिंदगी से छूट गए हैं, जो आप हमारे वर्तमान में नहीं है, जिसको हम दोबारा नहीं मिल सकते, उससे हम व्यक्त करते हुए हमें कुछ मिलेगा नहीं है, लेकिन हम वर्तमान स्थिति को खो बैठेंगे। हम वर्तमान की भी उसके याद में रहते रहते वर्तमान के हम क्या नहीं कर पाएंगे, उपभोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए उसके बाद प्रभुता का शरण जिम्ब केवल मृग कृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। क्या है कि प्रभुता का शरण जिम्ब केवल मृग कृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो बीते हुए जो पल है ना, वो अच्छा था इसलिए आप उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा था, अच्छे बेहतर था इसलिए आप उसको याद कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये बस वो मृग तृष्णा है, जिस प्रकार से डिजर्ट में मरुभूमि में मृगों का जो हिरण होता है उसको पानी जैसा कुछ तरंग दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो सच पानी नहीं है। इसी प्रकार से हम वो करना है, इस प्रकार की जो भावना होता है हमारे मन में, वो हम प्रभुता का, हमारे यश का, हमारे सम्मान की बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो डिजर्ट का वो जो मरुभूमि का जो मरीचिकाएं हैं, मृग कृष्णा है, उस प्रकार से ही रह जाएगा। आप जितने भी आगे बढ़ेंगे आपके सामने उतना भी और भी इच्छा जागेगा कि मुझे वो करना है। कभी अपने जिंदगी को उपभोग करने के लिए आपके पास उस प्रकार के अच्छा पल आपके सामने आएगा ही नहीं, अगर आप बस प्रभुता के बारे में, आपने कुछ करना है उसके बारे में आप भागता फिरोगे। जिस प्रकार से मरुभूमि में रहने वाला वो हिरण, जहाँ पर उसे वो पानी जैसा दिखाई देता है, वहां भी जाता है, फिर उससे और भी दूरी पर उसको पानी जैसा दिखाई देने लगता है, लेकिन उसको क्या नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। इसी प्रकार से अगर हम प्रभुता के बारे में बस सोचता रहेंगे, हमारा एक टारगेट पूरा होने के बाद फिर दूसरा टारगेट ले लेंगे, वो तो मृग कृष्णा जैसे ही रहेगा, उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें यह समझना जरूरी है कि एक महीना जो होता है, जो चंद्र महीना होता है, इसके कुछ दिन अमावस्या रहता है, कुछ दिन पूर्णिमा जैसा रहता है। एक रात में अगर पूर्णिमा जैसा पूरे चंद्र का उदय होता है, सारे पृथ्वी को वो क्या देता है, किरण देता है, उजाला उज्जवल बनवा देता है, कभी कभी वो क्या करता है, कृष्ण पक्ष भी हो जाता है, मतलब अंधेरा छाया होता है, मतलब इस प्रकार की हालत, मतलब सुख दुख इस प्रकार, जिस प्रकार से वो अंधेरा और वो उज्जवलता पूर्णिमा को लेकर, अमावस्या पूर्णिमा को लेकर ही वो चंद्र का महीना पूरा होता है, उसी प्रकार से दुख और सुख दोनों को लेकर हमारी जिंदगी को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कोई बार बार ये बोल रहा है कि कभी पहले कुछ अच्छा हुआ करता था आपके जिंदगी में, कहीं किसी के साथ अच्छे पल बिताया है, जो आप आपके जिंदगी में नहीं है उसे आप भूल जाओ, क्योंकि चंद्र महीना जो होता है ये भी उज्जवलता और अंधेरा के साथ अपना जिंदगी को गुजारना पड़ता है, मतलब हमारे मनुष्य की जो जिंदगी है ये जिंदगी भी अच्छा बुरा के साथ ही जिंदगी होता है। अगर आपकी जिंदगी में बुरा नहीं आएगा तो आप अच्छा का जो उपलब्धि है वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हम सभी के साथ ही अपना जिंदगी की जो वर्तमान स्थिति है वो वर्तमान का हम लोग को भूख करना सीखना चाहिए, हमें वो अतीत में जीना नहीं चाहिए, क्योंकि अतीत में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा तो था लेकिन अब तो नहीं है भाई। अगर उसी में हम जीने लगेंगे तो वर्तमान हम उपभोग करने से हट जाएंगे, हम वर्तमान को उपभोग नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारी जिंदगी से कुछ समय ऐसे ही काम से होते चले जाएंगे, जो कि कभी बार बार मना कर रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वर्तमान में हैं, हमारी जिंदगी में अब जो है इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए, हमारी जिंदगी को इसके साथ हम बिताना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो है यथा कठिन उसका तो काट पूजन, मत सुना मन होगा दुख दुना मन, कि आप वर्तमान में जो है इसी को आप पूजन करो, इसी के साथ आप अपने जिंदगी को आगे बढ़ाओ, इसी के साथ अपने जिंदगी को भुख करने सीखो। कभी कुछ था वो तो है नहीं, उसके बारे में सोचते हुए आप खुद को दोबारा दुखी मत बनाओ। ठीक है, यही बात इसमें है। अर्थात कठिन उसका तो
परपुरुष जो अर्थात है, जो वास्तव है, आप जो वर्तमान में जो हो वही आप हो बोलिए। इसीलिए उसी वर्तमान को हम क्या करना चाहिए, वरण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। वो वर्तमान जो है उसी को हम छजा झजा कर अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने जिंदगी को हम लोग भुक करना चाहिए। दुविधा हट सहा से दिखता है पथ नहीं, देश सुखी हो पर मन को क्या कहा इसमें, देश सुखी हो पर मन को दुख का अंत नहीं। दुविधा हट सहस है दिखता है पथ नहीं, देश सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। क्या है कि जब आप दुविधा भी पढ़ते रहोगे कि मुझे वो चीज अच्छा था, पहले गुजरे हुए दिन जो मेरे लिए बहुत अच्छा था, अगर उसी में आप सोचते रहोगे तो वर्तमान में आप कोई अच्छा डिसीजन नहीं पाओगे। अगर अच्छा डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, आपका जो आने वाला फ्यूचर है ना वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो फ्यूचर जो होता है वो फ्यूचर आज ही के डिसीजन पर डिपेंड करता है, फ्यूचर आपका कैसा होगा। अगर आपका फ्यूचर अच्छा करना है तो आज का जो डिसीजन ले रहे हो ये डिसीजन आपको अच्छा लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छा डिसीजन आज ले रहे हो तो भविष्य भी आपका कभी वर्तमान होगा तो वर्तमान आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए क्या कहता है कि जो बीते हुए हैं उस पर हम कुछ नहीं कर सकते अपना हाथ से या अपना डिसीजन से। जो गुजर चुके हैं जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं ला सकते जिसमें, उसके लिए हम लोग सोचना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, अगर उसमें हम सोचते रहेंगे तो हम आज का डिसीजन ले नहीं पाएंगे, और अगर हम आज ठीक ठाक डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो हमारा भविष्य भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए दुविधा में नहीं पड़ना है, जो गए हैं उसको छोड़ो और वर्तमान में जो है उसको अच्छा से करो। और क्योंकि अगर आप दुविधा में पड़े होगा रहोगे तो आपका कोई अच्छा पथ नहीं दिखेगा, कोई डिसीजन आप सही डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, मतलब आपको कोई पथ नहीं दिखेगा। अगर आपको पथ दिखना है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब आप उचित से हट कर वर्तमान में जीना पड़ेगा, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, और सही डिसीजन की वजह से आपका भविष्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, दुख दुविधा हट साहस से दिखता है पथ नहीं। अगर आप उचित में वर्तमान में भविष्य में इन बारे में बात सोचते रहोगे तो आपको पथ कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, बस वर्तमान में जो करना है अच्छा से वो करते जाओ, क्योंकि भविष्य भी एक समय में क्या होगा, मेरा मानना है ये। हाँ, भविष्य भी एक दिन क्या होगा, वर्तमान होगा, उस समय जो आपका अब जो वर्तमान है उस वर्तमान में कुछ अच्छा करते रहो तो आपका भविष्य भी मुझे लगता है अच्छा होगा ही। इसी प्रकार से कभी हमें इसमें शिक्षा देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। हाँ, अब बस आप इसी प्रकार से आपका जो दुख, देह दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। हम अतीत में जिएंगे, कुछ पल के लिए हमें अच्छा चलाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसी अच्छे लोगों के साथ आपका अच्छा सान्निध्य रहे हैं, कुछ पल अच्छे बीते हैं, उससे आपको मन को तो कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पल के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो समग्री नहीं रहेगा, ये दीर्घ में भी नहीं रहेगा, कुछ ही पल के लिए, लेकिन आपका मन को फिर भी और भी दुख पहुंचेगा। और कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि हम अगर आराम करना चाहेंगे, शरीर को अच्छा से रखना चाहेंगे, कुछ अच्छा कर्म हम लोग कष्ट होंगे इसलिए नहीं करेंगे, तो शरीर तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत सारे दुश्चिंता से हम लोग ग्रस्त रहना पड़ेगा। इसलिए हम शरीर और मन सभी को हम लोग अच्छा रखने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा वर्तमान अच्छे से गुजर सके, वर्तमान की जो कर्तव्य है हमें ठीक ठाक से कर सके, और इस वर्तमान की जो कर्तव्य दायित्व है इसका हम सही से पालन करेंगे तो हमारा भविष्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। इस प्रकार से हम अच्छा अपने जिंदगी को रुक कर पाएंगे। ठीक है, दुख है ना चांद खिला शरत रात आने पर, दुख है ना चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस पसंद जाने का। इसमें बहुत ही सुंदर बात कवि ने कहे हैं, दुख है ना चांद खिला शरत रात आने पर, कि शरत की जो महीना आता है तब क्या होता है, उस का आगमन होता है, उस पड़ता है, उस बिंदु से जो आकाश जो है वो अच्छा से दिखाई नहीं देता। ठीक है, दुख है ना चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जिस प्रकार से समझ लीजिए, समय बीत जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जो जिसे हम याद करते हैं वो तो चले गए, जो चले गए उसे हम
कोई आप उत्साह में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। धूप है ना चांद की लत रात आने पर, हाँ आप अगर आपके स्थिति अच्छा नहीं है फिर तो वो स्थिति आप अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, हम अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो शरद की जो शरद ऋतु की जो समय आता है उस शरद ऋतु के समय में बहुत ही उस पड़ता है, शिशिर जो होता है तो वो उस पड़ता है, उसकी वजह से जो हम चारों ओर दिखाई नहीं देता, ऊपर की ओर दिखाई नहीं देता, मतलब सूर्य भी ढके हुए रहता है, चंद्र भी ढके हुए रहता है, इस प्रकार की स्थिति रहता है, मतलब हमारी जिंदगी में इस प्रकार की स्थिति आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ऋतु का परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी क्या होता रहेगा, परिवर्तन आता रहेगा। अब बुरा है तो कुछ दिन बाद कुछ अच्छा आ ही जाएंगे, बस हमारा जो कर्म है, जो कर्तव्य है, वो हम ठीक ठाक से करना जरूरी है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो जीत गए हैं उससे हम याद करने की जरूरी क्या है, अगर समझ लीजिए अब हम किसी औचित्य में जी रहे हैं, अब हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम भविष्य में जाके हम ये भी सोचना पड़ेगा कि हम उस समय में कुछ नहीं किया, बस औचित्य में जीते रहे हैं, अगर उस समय में इस अच्छे काम को हम करते तो हम कुछ अच्छा बन पाते या अच्छा कर पाते। तो इस प्रकार की भावना समय जाने के बाद सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा, अगर एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है तभी से पढ़ाई करना है, अगर बस सोचते ही रहेंगे कि एग्जाम में अच्छा मार्क लाना है लेकिन पढ़ेंगे नहीं स्टडी नहीं करेंगे तो एग्जाम में तो अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं, तो यही इस प्रकार की बात है। जब आपको क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, बसंत जाने के बाद, बसंत मतलब बसंत जाने के बाद फूल खिलने भर उतना अच्छा तो नहीं दिखता, ठीक है, मतलब समय में सब कुछ करना जरूरी है, मतलब हम लोग वास्तव में है और वर्तमान में है, तो वर्तमान में जो रहा हो रहा है इसी के ऊपर हम लोग अपना दायित्व कर्तव्य का पालन करना जरूरी है, करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जाकर हम और भी पछताना पड़ेगा कि उस समय में अगर ऐसा कुछ करता तो आज मेरा ऐसा होता अच्छा होता, ठीक है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना मन। इसमें कवि बोल रहा है कि जो आपको नहीं मिला, जो आपसे हार गए हैं, जो आपसे दूर चले गए हैं, आप चाहते हुए जिसको आप दोबारा नहीं मिल सकते आपको, उसके बारे में सोचो मत, उसके बारे में समय बर्बाद ना करो, आप जैसा हो ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही आगे चलते रहो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जो मिला भूल, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, जो ना मिला, जो नहीं मिला हमें, जो आप हमारा नहीं रहे उसको हम लोग भूल जाना ही बेहतर है, उसके स्मृति में समय बर्बाद करना हमारे लिए कोई अच्छा बात नहीं है, उसको हम लोग भूल जाना चाहिए, और जो भविष्य है आज वर्तमान में हम अच्छा कुछ करके उस भविष्य का वर्णन करना चाहिए, ताकि हमारे भविष्य क्या है अच्छा हो, अगर हम वर्तमान में कुछ अच्छा करेंगे उस अच्छा का फल हम कब मिलेगा, भविष्य में मिलेगा अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से हमें कभी बार बार बोल रहा है कि स्मृति में मत जियो, छाया को मत छो, मतलब छाया मत छोना, मतलब स्मृति में मत पड़ना, जो बिछड़ गए आपसे उसके चक्कर में आप दोबारा मत पड़ना, क्योंकि अगर उसके चक्कर में फिर से पड़ गए थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन जब आपको ये एहसास होगा नहीं वो अब मेरा नहीं रहा, अब मैं वो नहीं हूँ, तो आपका जो भावना है वो भावना में फिर से आघात होगा, आपको दोबारा फिर से दुख झेलना पड़ेगा, इसलिए कोई बार बार बोल रहा है कि अतीत में मत जियो, स्मृति को मत याद करो, जो आपका नहीं रहे उसको भूल जाओ और भविष्य का आज वर्तमान के कर्म से, वर्तमान के दायित्व कर्तव्य के पालन से भविष्य का निर्माण करो, भविष्य का अच्छा सृजन करो। कवि इसमें हमें ये बात बताते रहते हैं, इस कविता में बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें मिला है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कांडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कुछ काम में आया तो कांडली आप दूसरे से भी इस वीडियो का शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ फायदा मिले। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।